ईद उल फितर गुजर गई, अब मौजे भी खत्म। ईद के बाद परदेसों के आबाई इलाकों से लाहौर वापसी का सिलसिला शुरू। बदामी बाग, लारी अड्डा पर गहमा गहमी बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों से बसें लाहौर के लारी अड्डे पहुंच रही। परदेसी कहते हैं ईद पर खूब इंजॉय किया, अब दोबारा रोजमर्रा के मामलात शुरू हो जाएंगे। महंगाई के दौर में प्याज सबसे आगे, मार्केट में प्याज 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। ईद के बाद दाल सब्जी मंडी मुकम्मल बहाल ना हो सकी, मनमाने निर्ख पर अशियाएं फरोख्त होने लगी। लहसुन से 600, अदरक 700, टमाटर 180 रुपए किलो में फरोख्त, करेले 250, बंद गोभी 100, आलू 70, मेथी 60 रुपए फी किलो मिल रहे। सेब काला कोलो 420, अमरूद 250, स्ट्रॉबेरी 200 रुपए फी किलो में दस्तियाब। पंजाब हुकूमत इनेक्शन, रोटी की कीमत 4 रुपये और नान की कीमत 5 रुपये कम कर दी गई। रोटी की कीमत 20 रुपये से कम करके 16 रुपये, जबकि नान की कीमत 25 रुपये से कम करके 20 रुपये कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया अदर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज, बारदाना की हसूल की दरख्वास्तों की वसूली शुरू। काश्तकारों को ऐप के जरिए बारदाना का अजराब 19 अप्रैल से होगा। तर्जमान महकमे खुराक के मुताबिक 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा लाहौर पहुंच गए। आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरपराही में 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। केसेस की समाअत के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात, वर्कशॉप्स और मॉनिटरिंग का प्लान। इंटर के सालाना इम्तिहान 19 अप्रैल से 22 मई तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी गई। मॉनिटरिंग पर मामूर टीमें सुबह शाम के इम्तिहानात की निगरानी करेंगी।